ठीक है, शराब भी हमारी अर्थव्यवस्था को बचाती है ना, एक पे एक फ्री किस खुशी में। उनके पिताजी की शादी हो रही है जो एक पे एक फ्री बांट रहे हैं, हमारे देश की जनता को ये बरगला रहे हैं। जब दंगा होता है तो क्यों नहीं आते बाहर में? मैं जब आ रही थी तो मैंने पोस्टर देखा है, अभी कभी ईद पे कभी नमाज पे ये लोग टोपी पहन के जुम्मा का नमाज पढ़ने निकल जाते हैं, क्यों नहीं हिंदुओं के सपोर्ट में खड़े होते हैं? मुझे समझ नहीं आता ये देश ऐसा क्यों बन गया है कि हिंदू के विरुद्ध हो और पब्लिसिटी पाओ, हिंदू के विरुद्ध हो और सत्ता पाओ। ये 70 साल से कांग्रेस ने भी यही करता है और ये भी यही करना चाह रही है, जितना करना था कर गई है। ये दूसरा टाइम था जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इतना में ये तो समझ आ गया है कि देश की जनता पागल नहीं होने वाली, अब देश की जनता वही वोट करेगी जहां जरूरी है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। मैंने भी दो बार जब इनका इनके पार्टी को वोट किया था, लेकिन अब हमें हकीकत पता चल रहा है कि अगर इनको दारू बांटना था, अरे बांटना ही आपको फ्री में, तो दूध बांट देते, पनीर बांट देते, फ्री में दारू बांट करके आप जनता को क्या भलाई करना चाहते हो, ठीक है ना? तो ये जो मॉडल है, और यही बात एडवर्टीजमेंट में, मैं आपको बताऊं 488 करोड़ रुपए खर्च करके इन्होंने पूरे इंडिया में, इन्होंने 488 करोड़ खर्च करके ये दिखाया है कि दिल्ली का मॉडल है, लेकिन जो दिल्ली का जनता है, जो यहाँ का लोकल है, उसको पता है हकीकत कि क्या है। जितने भी देश में भ्रष्टाचारी वो सब निकलेंगे। और हाँ, ये लोग कोई दूध के दूल्हे नहीं है, ये जो जितने इस देश में शासन कर रहे थे ना 70 साल से, आप ये मत सोचना कि दिल्ली की जनता ने इन्हें सर पर बैठा के रखा है। ये ठीक चुनाव के टाइम दिल्ली की जनता को बरगला लेते हैं, फुसला लेते हैं और वोट जीतते हैं, और लोगों को लगता है कि दिल्ली की जनता उन्हें प्यार करती है। अरे नहीं चाहिए ऐसा सरकार जो पानी फ्री, ब्रिज बिजली फ्री, महिलाओं के लिए सीट फ्री, दारू फ्री और उसके बाद दंगा फ्री। लेकिन वो राजद के साथ, कांग्रेस के साथ, सबके साथ हाथ जोड़ा, जो भैया मेरे से गठबंधन कर लो, मेरे से गठबंधन कर लो, लेकिन इसको सब ने लात मारा। इस अरविंद केजरीवाल को राजद ने लात मारा, सपा ने लात मारा, कांग्रेस ने लात मारा, फिर आ गया जो मैं तो ईमानदार हूँ, और मुझे नहीं पता इस ईमानदारी का सर्टिफिकेट कहाँ पे मिलता है। ये अपने आप में ईमानदार है अरविंद केजरीवाल। तो कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई डेवलपमेंट होता है तो ये बीजेपी वाले रोक लगा देते हैं, काम नहीं करने देते। मैडम आप बताओ दिल्ली में डेवलपमेंट कहाँ पे हुई है? आप बताओ, आपके पास कोई ऐसा सबूत है जो दिल्ली में डेवलपमेंट हुआ है? अगर 3-4 स्कूल को आपने चूना से पोतवा दिया, उसको डेवलपमेंट नहीं करते हैं मैडम। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने जो कि एफआईआर दर्ज कर दिया और मुख्य आरोपी बताया है शराब घोटाले में, किस तरीके से देखती हैं? देखिए 15 अगस्त, मुझे ये तारीख याद है, 15 अगस्त के दिन नरेंद्र मोदी जी ने ये एक बात कह दी थी इशारों में कि जितने भ्रष्टाचारी हैं वो नहीं बचेंगे। आगे लिस्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब नरेंद्र मोदी ये कह देना कि कोई नहीं बचेंगे, आप इसका मतलब समझ लीजिए कि उस क्रम में उन्होंने काम अपना शुरू कर दिया है, उन्होंने काम शुरू कर दिया। ये मनीष सिसोदिया लपेटे में आ गए हैं, ठीक है? ये शराब, मैं आपको कह रही हूँ, ये 70 साल से ना हमारे देश में जानते हैं कि किसने राज किया है? आतंकवादियों ने। ये शराब के घोटाले करने वाले, ये भ्रष्टाचारी, ये अलग अलग तरीके आतंकवादियों को पालने वाले, ऐसे लोगों ने हमारे देश में राज किया है, हिंदू के विरोधी इस देश में राज किया है। 70 साल से ये लोग राज करते आ रहे थे और इन्होंने सोचा बस जैसे चल रहा है आगे भी चलेगा, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जितना इनको जो करना था इन्होंने कर लिया, अब जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने ये घोटालेबाजी हैं, अब एक भी नहीं बख्शने वाले हैं, एक भी नहीं बचने वाले हैं, ये सब लपेटे में आ गए हैं। और अभी मनीष सिसोदिया, अभी अंदर जाने दीजिए, अभी शुरुआत है, अभी बहुत बाकी है। अब वो कह रहे हैं कि पहले भी जांच हुई है कुछ नहीं मिला है, आज भी जांच होगी तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन डर किस बात का? वही बात है ना कि सच, देखिए सत्य को किसी परिणाम की जरूरत नहीं होती है। अगर आप सही हैं तो फिर डर किस बात का? अगर आप घोटालेबाजी नहीं है, अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं है तो मत डरिए ना, मत डरिए, करने दीजिए कि भाई आओ आके करो। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं जो अच्छा काम करता है उन्हें घेरे में लिया जाता है, परेशान किया जाता है। अच्छा घेरे में, आप भाई मुख्यमंत्री हैं, आप कभी परेशान नहीं होंगे, ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, मुझे पता है। और अगर आप सही हैं तो करने दीजिए जांच, अगर आप सही हैं तो फिर घर में घुसने दीजिए पुलिस, घर में घुसने दीजिए ईडी को, घर में घुसने दीजिए सीबीआई को, आपको इतना डर किस बात का? अरे किस बात की परेशानी, आप तो मुख्यमंत्री हैं, आपको एक दिन में ना जाने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, फिर ऐसे छोटी छोटी परेशानी से आप क्यों डर रहे हैं, किस चीज का डर? अगर आप सही है तो जांच करने दीजिए, और गलत है तो फिर भाई आप लपेटे में आइएगा, कोई नहीं बचने वाला है यहाँ। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कर दी है और बताया भी है कि जो कि मुख्य आरोपी है शराब घोटाले में, किस तरीके से देखते हैं? देखिए जो ये शराब घोटाला हुआ है, हम लोगों ने
जब मैंने भी स्टार्टिंग में वोट किया था, दो बार इनको वोट किया था, तो ये सोच के ये वोट किया था कि ये कोई अनिल कपूर टाइप है और ये दिल्ली को बदलने के लिए आए हैं, जनता के विकास करने के लिए आए हैं। लेकिन अब जब हम ये सुन रहे हैं कि वो शराब के आबकारी नीति में फंस रहे हैं, दिल्ली के लोगों को शराब पिला रहे हैं, तो ये बहुत शर्म की बात है। हम लोगों को बहुत इस बात से बहुत पीड़ा पहुंचती है कि जहां हम ये उम्मीद कर रहे थे कि दिल्ली का डेवलपमेंट करेंगे, वो डेवलपमेंट नहीं करके वो दिल्ली को एक दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं, जहां पे भ्रष्टाचार आप देख रहे हो। अभी सत्येंद्र जैन कितने दिनों से जेल में बंद है, इसके बाद अब मनीष सिसोदिया जी का नंबर है। ये बात करते हैं कि अमेरिकन टाइम्स में इनका फोटो वहाँ पे छपा, दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं। आप एक चीज़ बताइए, अभी मैं देख रहा हूँ दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है वो 10वें नंबर पे भी उसका रैंक नहीं है पूरे इंडिया में, तो किस एजुकेशन मॉडल की वो बात कर रहे हैं। जहाँ तक बात है फोटो छपने की, तो जब आप 500 करोड़ रुपए खर्च करोगे तो डेफिनेटली आपका फोटो, मैं अमेरिकन टाइम्स की बात क्या कर रहे हैं, आप ग्लोबल टाइम्स में आपके फोटो छप जाएंगे, इतना एडवर्टीजमेंट पे ये खर्चा कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये लोग बोलते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, हम लोग बिल्कुल कट्टर देशभक्त हैं, लेकिन जिस हिसाब से इन लोगों के अब असली करतूत, असली चेहरे सामने आ रहे हैं, उससे हम लोगों को, हम वोटर को दुख पहुंचता है। क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जब इनको वोट किया था तो हम लोगों ने समझा था कि कोई अनिल कपूर आ गया जो देश को बदलना चाहता है, जो इस राजनीति से अलग है, लेकिन दिल्ली का कुछ भला नहीं हुआ। अभी आप 2 किलोमीटर कहीं भी आप वॉक करके देख लो, आपको 2-4 सिगरेट पीने के बराबर आप जो है सिगरेट का धुआं ऑक्सीजन के रूप में अंदर ले लोगे। यमुना का हाल देख लो आप, वही है। तो दिल्ली का कोई डेवलपमेंट नहीं किया इन लोगों ने, अपना पर्सनल डेवलपमेंट जो किया उसका अब खुलासा हो रहा है, CBI रेड कर रही है। तो ये लोग कह रहे हैं कि जो विपक्षी है वो अब जबरदस्ती कार्रवाई कर रहा है। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि दिल्ली में ये लोग सारे डेवलपमेंट विकास को रोक दे रहे हैं, ये लोग शिक्षा स्वास्थ्य की जो है उन डेवलपमेंट को उनको रोक दे रहे हैं। मैं शिक्षा पैरामीटर लेकर के ही बात कर रहा हूँ। अभी दिल्ली का रैंक 10 रैंक में नहीं आता दिल्ली का शिक्षा मॉडल, और जो स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं, अस्पताल बनाने की बात कर रहे हैं, आप एक स्कूल नहीं बना, आप जाकर के देख लो कहीं भी अगर एक स्कूल नया स्कूल मिल जाए तो बस वो कैपेसिटी अच्छे से रंग रोगन कर देने से उसमें एजुकेशन में सुधार नहीं हो जाता है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसको रंग रोगन करने पे, उसको चमकाने पे, अपने एडवर्टीजमेंट करने पे, अपने आप को हमेशा मीडिया प्रिंट पे लाने के लिए इन्होंने काम किया है, और उसका जो है एक जनता का पैसा उन्होंने पानी की तरह बहाया है, जिससे दिल्ली का भला नहीं हो सकता। अब ये दिल्ली से इनका मन भर चुका है। अब ये आप देखोगे कभी गुजरात घूम रहे हैं, कभी हिमाचल घूम रहे हैं, कहीं और जगह घूम रहे हैं, दिल्ली में इनका अब बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं है। जब इनके भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे हैं तो ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि जो अच्छा काम करता है उनको ये लोग घेरे में ले लेते हैं, गिरफ्तार करवा देते हैं। अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ ना, सत्येंद्र जैन अगर इनका अच्छा काम कर रहे थे, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, तो आज वो कोर्ट में PIL फाइल करके ये कह रहे हैं कि उनकी याददाश्त चली गई है। आप ये साबित कर दो कि याददाश्त चली गई है, वो अनसाउंडेड माइंडेड है, तो ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं केजरीवाल जी, मुझे समझ में नहीं आता है। आप इन चीज़ों को समझो जरा, अगर अच्छा काम कर रहे हैं वो, तो ये हर एक जनता के बीच में ऐसे एक पे एक फ्री करके दारू नहीं बांटते। आज यमुना जी का हाल ये नहीं होता, आज दिल्ली का पॉल्यूशन के मामले में आप देख लो, दिल्ली नंबर 1 पे पॉल्यूशन हो चुका है यहाँ का, आप सांस नहीं ले सकते हो, आप खुद यहाँ फील करके देखो। तो ये कौन सा मॉडल है? सिसोदिया जी तो कह रहे हैं कि पहले भी हमारे घर जांच हो चुकी है, ना उस टाइम कुछ मिला था ना आज कुछ मिलेगा। डर क्यों रहे हैं, इतना बवाल क्यों कर रहे हैं? अगर सिसोदिया जी कह रहे हैं कि पहले भी जांच हुआ, अब भी जांच हो रहा, तो डरने की वो क्यों डर रहे हैं? अभी आपको पता होगा CBI ने 22 ठिकानों पे उनका छापा डाला है, और जितने इनके खुलासे हैं वो सब अब होने वाले हैं, और इनका भी जेल जाना अब तय है। ये लोग सब जो है एक ही थाली के हैं। देखिए, जो पहले कांग्रेस करती आ रही है देश में जिस तरीके का काम, वही काम अब आम आदमी पार्टी कर रही है, और जनता अब समझदार हो चुकी है। मैंने भी दो बार जब इनका इनके पार्टी को वोट किया था, लेकिन अब हमें हकीकत पता चल रहा है कि अगर इनको दारू बांटना था, अरे बांटना ही आपको फ्री में, तो दूध बांट देते, पनीर बांट देते, फ्री में दारू बांट करके आप जनता को क्या भलाई करना चाहते हो, ठीक है ना? तो ये जो मॉडल है, और यही बात एडवर्टीजमेंट में, मैं आपको बताऊँ, 488 करोड़ रुपये खर्च करके इन्होंने पूरे इंडिया में, इन्होंने 488 करोड़ खर्च करके ये दिखाया है कि दिल्ली का मॉडल है, लेकिन जो दिल्ली का जनता है, जो यहाँ का लोकल है, उसको पता है हकीकत कि क्या है। आपने मोहल्ला क्लिनिक खुलवा करके करोड़ों का घोटाला करवा लिया, उसको डेवलपमेंट नहीं करते। आपने शराब की दुकान खुलवा करके लाखों करोड़ का घोटाला करवाया मनीष सिसोदिया के थ्रू, उसको डेवलपमेंट नहीं करते, उसको देश की बर्बादी कहते हैं। आपने देश का बर्बाद किया है, दिल्ली को बर्बादी पे लाया है। डेवलपमेंट कहाँ हुआ? शिक्षा में, स्वास्थ्य में? मेरा शरीर ले लो, मेरा फोटो ले लो कैमरामैन, मैं आपको चैलेंज देता हूं, अरविंद केजरीवाल को चैलेंज करता हूं, जो दिल्ली में स्वास्थ्य में और शिक्षा में कहां पे डेवलपमेंट हुआ है। बोल रही है कि बीजेपी रोक लगा देती है। आज 10वीं का जब रिजल्ट आया था ना, तो 15%
दिल्ली का ना कम आया था, पूरे देश में सबसे कम रिजल्ट दिल्ली का आया था मैडम, ये भी तो सोचो आप। आप इस बात को क्यों नहीं देखते हो? आप जो कह रहे हैं ना कि ये बीजेपी एलजी ये काम नहीं करने दे रहा है, ये मैं लगातार ये सुन रहा हूँ, मीडिया भी ये ब्लेम कर रहा है और जो आम आदमी पार्टी के जितने लोग हैं ये सब ब्लेम कर रहे हैं। एक चीज़ बताइए, अगर एलजी ने काम नहीं करने दिया तो ये जो कह रहे हैं इतने स्कूल बन गए, इतने अस्पताल बन गए, वो कैसे बन गए? जो अच्छा करे वो केजरीवाल जी करे, और जहाँ भ्रष्टाचार की बात हो, जहाँ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो, वहाँ पे एलजी ने गलत करा, ये कैसे संभव है? दोनों बातें तो, दोनों कॉन्ट्राडिक्शन तो एक जैसा नहीं हो सकता ना। आप बताइए मुझे, अगर अच्छा करा तो केजरीवाल जी ने करा, और कहीं अगर भ्रष्टाचार निकल के आ रहा है तो एलजी ने कर दिया, ये कैसे हो सकता है? दोनों बातें आप नहीं कह सकते ना। अरविंद केजरीवाल ही था मैडम, अरविंद केजरीवाल ही था जिसने बोला था जो बीजेपी सबसे ज्यादा पैसा विज्ञापन पे खर्चा करता है। आज तुम जाकर के सर्च कर लो जो सबसे ज्यादा विज्ञापन पे कौन पैसा खर्चा करता है, 4,800 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल सिर्फ विज्ञापन पे खर्च करता है। पता है गोविंदपुरी, दिल्ली का एक छोटा सा इलाका है गोविंदपुरी, ठीक है, वहाँ पे दो बाथरूम में दो लोटा रखा जाता है, जो लोटे की कीमत होती है 100, 150, 200 रुपये, और उस पर खर्च किया जाता है 10,000 रुपये विज्ञापन में, जो हमने बाथरूम में लोटा रखवाया।